परसों में वैसे मेरी ऑफिस में ड्यूटी कर रही थी, लेकिन मुझे घर में बुलाते हैं, घर में चौका बर्तन सभी काम कराते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े धुलवाना, और नहीं जाती हूँ तो उनकी मेम साहब हैं वो हमें धमकी देती हैं, अरे इतनी देर हो गई अभी नहीं आई, और साहब कहते हैं कि डीएम साहब के यहाँ इतने कर्मचारी लगे हुए हैं और यहाँ के कर्मचारी हमारे यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, फिर मैं जाना पड़ता है डर के वजह से, और ये भी कहते हैं अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे हम, अच्छा, तो किस तरह घर में किस तरह का काम करते हैं आप? सब करते हैं सब, झाड़ू पोछा बर्तन खाना भी बनवाया है कभी कभी, और कपड़े धोना, नगर पालिका में कहाँ नौकरी करती हैं आप? मैं वार्ड सुनी, अच्छा, किस पद पे हैं? मेरी पोस्टिंग है चौकीदारी की, लेकिन ऑफिस में मैं कर रही हूँ जब से गई हूँ, जब से अच्छा, तो जेई कहाँ काम कराते हैं? क्या नाम है जेई का? अच्छा, जय नंद किशोर कहाँ काम कराते हैं फिर आप? कोठी पे अपनी पे अपने आवास पे। इसकी शिकायत करी है कहीं? हाँ मेरी वाइफ तो कोई करी है, मैंने शिकायत लिखित में दी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई ना है रही, किसी को जांच दी है पता ना, जांच हो दबी पड़ी है, कोई कोई सुनी ना रही मेरी, तो हमें इस बात का न्याय मिलना चाहिए, सरकार तनख्वाह देती है आपको? सरकार तनख्वाह देती है सर हमें, और साहब काम लेते हैं अपने घर का, क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। आपकी महिला कर्मचारी ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उन पर खाना चौकीदारी की ड्यूटी खाना बनवाया है, क्या है मामला पूरा ये? मेरे यहाँ पे कर्मचारी महिला कर्मी निर्मला देवी हैं, चौकीदारी की पद पर तैनात थी, तो मैंने उनको चौकीदारी पद पर पहले उनको आदेश ये लेटर भेजा था, तो उन्होंने आपत्ति सहित प्राप्त किया, तो देश भावना से पीड़ित होकर उन्होंने शिकायत की है। ठीक, इस मामले को 1.5 साल हो गया और एडीएम साहब का मेरे पास लेटर आया हुआ है स्पष्टीकरण के लिए, मैंने उसका जवाब बना लिया। महिला का आरोप है कि आप कहते हैं कि डीएम साहब के यहाँ सब कर्मचारी काम करते हैं, आप हमारे ही कर्मचारी काम नहीं करते। नहीं है सर, उन्होंने यही भी आरोप लगाया कि आपने जो मीट खाते हैं उनके बर्तन भी धुलवाए हैं। मैंने कोई उससे कोई काम नहीं कराया, और जो भी आरोप है उनके निराधार है, बेबुनियाद है। मैम, ये एक मामला सामने आया है नगर पालिका जलकल विभाग में, एक जेई है उनके खिलाफ, किसी लेडीज ने कंप्लेंट करी है, क्या मामला है? एक सफाई कर्मचारी महिला ने ही जो वाटर वर्क्स के जेई हैं उनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के आरोप हैं जिसमें घर में काम कराना और ये सब भी शामिल है, तो हमने उससे स्पष्टीकरण मांगा है, इन्होंने अभी कल ही इन्होंने अपना जवाब दिया है जेई ने, तो अपने सारे आरोपों को उन्होंने नकारा है, तो मैंने अभी उस महिला शिकायतकर्ता को कॉल किया है, और उसके आने पर मैं वाटर वर्क्स के जेई को भी बुलाऊंगी, और उसका वो जो उनका जवाब आया है उसको मैं वेरीफाई करूंगी, तो उसमें जो है ये देखा जाएगा कि क्या वो जो जवाब आया है स्पष्टीकरण वो जो है जवाब सही है या गलत है, उसमें हमने महिला से साक्ष्य भी मांगे हैं, उसको बुलाया भी है, तो उसके आधार पर कार्रवाई किया जाए। थैंक यू।